बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो बेसिकली अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक वोल्ट पोटेंशियल के डिफरेंस के अंदर मूव करता है तो वो जितनी एनर्जी लॉस करता है या गेन करता है तो वो एनर्जी जो होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ऊपर वाली प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेफिनेटली यूनिफॉर्म होगा। तो अगर यहाँ एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है उसको हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा? जाहिर है उसके ऊपर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये नीचे की तरफ एक्सलरेट होगा। मीन पहले हमने इसको पकड़ा हुआ था, इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको छोड़ा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई। मीन इसने काइनेटिक एनर्जी जो है गेन करना शुरू कर दी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ देखिए ये मार्कर है, इसको मैं छोड़ता हूँ तो क्या होगा? ये यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है 0 के बराबर थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक्सलरेट हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ी, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन की है। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये चार्ज जो है इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। जाहिर है पहले हम जो डिस्कस करते रहे हैं वो इसको इक्विलिब्रियम में रख के करते रहे हैं, लेकिन अब हम जो कह रहे हैं कि हमने इसको छोड़ दिया, जब इसको छोड़ दिया तो क्या होगा? ये नीचे आएगा एक्सलरेशन के साथ और ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान ये चार्ज जो है उसको यूनिफॉर्मली मूव करवाया गया था, तो हमने ये कहा था कि यहाँ से यहाँ तक जिसको मूव करवाया गया है तो जितना इसके ऊपर वर्क किया गया है वह इसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? डेल्टा यू। ये होगा क्यू डेल्टा वी, यानी कि वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे पोटेंशियल जो है इसका वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल वी बी। तो जाहिर है चार्ज जो है इसका पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा, जहाँ यहाँ पे ज़्यादा होगा। नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो चार्ज इधर से इधर जाएगा अगर, तो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल जो है इधर से इधर इंक्रीज होता जाएगा। तो डेल्टा यू हम कहते हैं कि क्यू चार्ज है तो ये वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं क्यू डेल्टा वी के बराबर। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब ये देखिए ये चार्ज हम यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस करवाते हैं, अब यहाँ से जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ आएगा और ये एनर्जी गेन करेगा, और वो कौन सी एनर्जी होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है उतना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा यू जो होगा न्यूमेरिकली डेल्टा के ई के बराबर होगा। अब ये देखिए डेल्टा के ई जो होगा, हमने कहा डेल्टा यू क्यू डेल्टा वी के बराबर, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी क्यू डेल्टा वी के बराबर होगी। इसके बात के ऊपर जरा गौर कीजिएगा, हमने प्योर चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया तो हमने इसके ऊपर वर्क किया है, वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आई है वो क्यू डेल्टा वी के बराबर होगी। अब जब हमने इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं छोड़ते हैं तो क्या होगा? ये ग्रेविटेशनल नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है। ये याद रखें कि हम यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एनर्जी गेन करेगा, कितनी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा यू जो है वो डेल्टा के ई के बराबर होगा। वैसे इसकी जो साइन होते हैं याद रखें कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बहरहाल डेल्टा के ई जो होगा क्यू डेल्टा वी के बराबर होगा। अब अगर ये क्यू जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो और डेल्टा वी पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट के बराबर हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, इजाफा होगा, वो किसके बराबर होगा? क्यू की जगह 1E लिख दें और डेल्टा वी की जगह 1 वोल्ट लिख दें।
तो ये आ जाएगा वन इंटू वन, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा किसके बराबर? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है क्यू जो है ई जो होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम के बराबर होता है। अब ये वैल्यू जो इसमें पुट करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा जो होगा वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10^-19 वोल्ट बल्कि कोलम इंटू वोल्ट। तो आपको पता है वोल्ट किसके बराबर होता है? वन वोल्ट जो होता है वो होता है वन जूल ओवर वन कोलम, जूल पर कोलम वोल्ट, वोल्ट के बराबर हुआ। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 और कोलम मल्टीप्लाई बाई जूल ओवर कोलम, कोलम से कोलम कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आई है 1.6 इंटू 10^-19 जूल होगा। लेकिन ये है किसके बराबर? ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसलिए हम कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10^-19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ एक दो बातें आपके सामने आ गई। नंबर एक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ के यूनिट होंगे? तो ये एनर्जी के या वर्क के यूनिट होंगे। और वो एनर्जी कौन सी होगी? ये देखिए, अगर दो प्लेट्स हैं आपके पास, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, दोनों पे चार्ज जो है वो अपोजिट है। बिलफर्ज ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर, उतना यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर है इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये। अब इसमें हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट बिलफर्ज ये है एक पॉइंट ये। इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो वन वोल्ट के बराबर हो, चलो एक और बात भी छोड़ दें कि ये प्लेट बिलफर्ज ए है ये बी है, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है वन वोल्ट के बराबर, यानी कि इसका पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल, इनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो वन वोल्ट के बराबर है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है उसको हम छोड़ते हैं तो क्या होगा? वो इधर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो क्या होगा? ये जाहिर है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो वो इधर आएगा, तो ये एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। यानी कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको हम शूट करते हैं, जाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल शूट करेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि द एनर्जी गेन आर लॉस बाई एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान एक वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करता है या लॉस करता है वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और ये आपके पास एक फार्मूला आ गया कि अगर आपको एनर्जी दी गई है जूल में तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी गई है तो उसको जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनके मतलब पढ़ा था फर्स्ट ईयर में और इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्कस किया, तो दोनों का एक कंपैरिजन जो हम कर लेते हैं। तो इनिशियली हम इनकी सिमिलरिटीज देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो पहली बात ये समझें कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है।
यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर बॉडी के ऊपर क्लोज्ड पाथ में वर्क कैलकुलेट करें तो वो जीरो के बराबर होगा। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को क्लोज्ड पाथ में मूव करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो भी जीरो के बराबर होगा। अब दूसरी बात, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है, यानी कि ये जो फोर्स है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, और ये होती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये भी इनवर्स स्केयर लॉ ओबे करती है, ये भी इनवर्स स्केयर लॉ ओबे करती है। अब ये देखें, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब देखिए आर की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो एफ जीरो के बराबर उस वक्त होगा। इसका मतलब यह है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, और यहाँ भी देखें कि आर इन्फिनिटी होगी तो एफ जीरो के बराबर, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब थोड़े से जो इनकी अपना डिफरेंसेस हैं उसको ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ हम न्यूटन का लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ इस्तेमाल करते हैं जिससे ये फोर्स जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं कोलम्स लॉ, दो चार्जेस के दरमियान, ये चार्जेस क्यू वन क्यू टू हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। अब पांचवी बात ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये मास के ऊपर डिपेंड करती है, जिस तरह ये इक्वेशन हमें बता रही है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू। तो ये जो है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज डिपेंडेंट है, यानी कि ऐसे समझ लें कि यहाँ जो है एफ वो प्रोपोर्शन होती है एम वन और एम टू के, और यहाँ ये फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शन होती है क्यू वन क्यू टू के। ये प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब अगली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये मास डिपेंडेंट है, ये चार्ज डिपेंडेंट है। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, यानी मीन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये सिर्फ नेगेटिव ही होगी, अट्रैक्टिव ही होगी, रिपल्सिव नहीं होगी। याद रखें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनका साइन नेगेटिव आता है, जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं उनका साइन पॉजिटिव आता है। अब अगली बात कि ये जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, मासेस के दौरान जो भी मीडियम डाल दें या ना डालें तो ये फोर्स जो है उतना ही काम करती रहती है अपना। उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम मीडियम डालते हैं, आपको पता ही है कि इसके दो चार्जेस के दरमियान अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसकी जो फोर्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, वो डिपेंड करती है कि डायलैक्टिक जो है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, उतने गुना जो है ये फोर्स जो है रिड्यूस हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशन फोर्स से शील्ड नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। उसके मुकाबले में हम एक ऐसा रीजन डिवेल्प कर सकते हैं या एक ऐसी बॉडी ले सकते हैं जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बचाया जा सकता है, वो जैसे हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी गॉसेज लॉ की, पहली जो एप्लीकेशन। अब अगली बात यह है कि इसमें वैल्यू ऑफ जी जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, 6.67 × 10⁻¹⁺ न्यूटन मीटर स्क्वेयर ओवर किलोग्राम स्क्वेयर। लेकिन यहाँ क्या है, वैल्यू जो है के की, कोलम्स कांस्टेंट की, वो है 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर ओवर कूलम्ब स्क्वेयर, यानी कि इसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले में ये क्वांटिटी बहुत छोटी है। तो जिस तरह यहाँ हमने कहा कि इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसका जो कोलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है,
जबकि उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मैं यहाँ थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ। आप जो है बालों को कंघी करते हैं और छोटे छोटे पीसेस जो हैं कागज़ के वो अपनी हथेली पे रखते हैं। कंघी करने के बाद जब वो कंघी जो है आप उसके करीब लाते हैं तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये कंघी की तरफ लपकते। अब देखें ये जो कागज़ के टुकड़े हैं पूरी ज़मीन जो है इनको इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। उसके मुकाबले में जो चार्ज आया है थोड़ा सा कंघी के ऊपर, उसने क्या किया कि इन चार्ज अपना जो हमारे कागज़ के टुकड़े थे उनको उसके अंदर चार्ज इंड्यूस किया। उस इंडक्शन की वजह से क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज था या इधर इसके ऊपर इसके साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो कागज़ के टुकड़े ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करते हैं। मीन कंघी जो है उनको अट्रैक्ट करती है और वो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी ज़मीन जितनी फोर्स लगा रही है चार्जेस के अपना कागज़ के टुकड़ों के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा फोर्स जो है ये कंघी लगा रही है वो कागज़ के टुकड़ों के ऊपर। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि अगला जो आर्टिकल है वो लंबा है, अगर शुरू किया तो भी मसला बनेगा। तो इंशाल्लाह वो कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।